हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय और आज हम बात करने वाले हैं विंडो 11 के बारे में। दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि जैसा विंडो 11 में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि हम किसी भी फाइल को ड्रैग नहीं कर सकते। यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप जो है वर्क ही नहीं कर रहा है, यहाँ पे सपोर्टेड ही नहीं है। तो इसी प्रॉब्लम का सलूशन लेकर के हम आए हैं, कुछ टिप्स लेकर के आए हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे, यहाँ पर मैं एक इमेज सेलेक्ट कर ले रहा हूँ और अगर मैं इस सॉफ्टवेयर में ड्रैग कर रहा हूँ अपने AI सॉफ्टवेयर में, तो यहाँ पे देखिए ये वर्क नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये फाइल ड्रैग नहीं होगा। तो मैं आपको बताने वाला हूँ एक पहला तरीका कि जिसके थ्रू आप अपने इमेज को इंपोर्ट कर पाएंगे अपने सॉफ्टवेयर में। तो सबसे पहले मैं अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं चला जाता हूँ डाउनलोड्स में और ये इमेज अगर मैं ड्रैग कर रहा हूँ यहाँ से, तो देखिए यहाँ पे ड्रैग नहीं हो रहा है। तो हमें इस विंडो को यहाँ पे जो है यहाँ पे रिस्टोर कर लेना है यहाँ से, और ये इमेज सेलेक्ट करके यहाँ पे होल्ड करके इमेज को हमें यहाँ पे अपने सॉफ्टवेयर में ड्रैग कर लेना है। तो देखिए हमारी जो इमेज है यहाँ पे बिल्कुल इजीली वे में इंपोर्ट हो चुकी है। यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट, हमें कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ रहा है और बिल्कुल इजीली वे में हम अपने इमेज को इंपोर्ट कर पा रहे हैं। तो चलिए मैं फिर से दोबारा करके आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ से इसको कट कर ले रहा हूँ और फिर से वही प्रोसेस को रिपीट कर रहा हूँ मैं। हमें अपने इमेज को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे सॉफ्टवेयर को हमें यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर में इस इमेज को जो है ड्रैग कर देना है। देखिए हमारा इमेज जो है वो इजीली वे में इंपोर्ट हो चुका है और मैं आपको इसका दूसरा ट्रिक बताने वाला हूँ। तो हमें यहाँ पे इमेज और कोई भी विंडो को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं आपको इसका दूसरा सोल्यूशन बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें काम करना है, यहाँ पर विंडो प्लस आर यहाँ पे प्रेस कर लेना है और यहाँ पे यही टाइप करना है, लिखा हुआ है रेग एडिट जो है यहाँ पे हमें इसको यहाँ पे ओके कर लेना है और यहाँ पे एस प्रेस करके हमें इसे एक्टिव कर लेना है। और इसी लोकेशन पे हमें जाना है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे जो अपडेट का जो पैकेज का लोकेशन है, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ये करने के बाद हमें यहाँ पर सिंपली राइट क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू क्लिक करना है, न्यू पे जा करके और यहाँ पे डिवॉर्ड 32 बिट वैल्यू हमें इस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे जो टाइप करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ, हमें यहाँ पे सिंपली यही टाइप करना है डिजेबल डॉकिंग। हमें इसको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। मैं इसको भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि क्या कॉपी करना है। यहाँ पर इसको यहाँ से सिंपली आप कॉपी कर लेना यहाँ पे, और इसको हम रीनेमिंग नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम इसको कॉपी कर लेंगे वहाँ पे और इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे रिवॉर्ड 32 बिट वैल्यू पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देंगे इसको, ठीक है। और यहाँ पे बाहर कहीं पर क्लिक कर देंगे। तो ये करने के बाद हमें अपने सिस्टम को रिस्टार्ट कर लेना है। जैसे हम सिस्टम को रिस्टार्ट करेंगे, हमारे ये जो प्रॉब्लम है बिल्कुल सॉल्व हो चुका होगा। तो आप भी इसको ट्राई करिए और ट्राई करने के बाद अपना हमें एक्सपीरियंस शेयर करिए कमेंट बॉक्स में। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू राइट नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।